नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे थंबनेल पे आप देख ही चुके हैं कि हिमाचल शिक्षकों गैर शिक्षकों को स्कूल में बुलाने की अधिसूचना जारी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हिमाचल में 21 सितंबर से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल में बुलाने और गाइडेंस लेने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आने के लिए मजूरी देने की अधिसूचना जारी हो गई है। तो शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पहली से 12वीं कक्षा और कॉलेजों में 21 सितंबर से 50% शिक्षकों का रोजाना अनिवार्य होगा। तो आगे देखते हैं, शेष 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अगले दिन स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाएगा। शिक्षकों को स्कूल में बुलाने के लिए स्कूल प्रभारियों को रोस्टर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाने के बाद ही स्कूल में प्रवेश के लिए कहा गया है। स्कूलों को खोलने के साथ ही इसके लिए जारी किए गए SOP का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उधर शनिवार को प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। स्कूल प्रभारियों की देखरेख में सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। शिक्षा सचिव ने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में थर्मल स्कैनिंग के उपकरण लेने के लिए बीते दिनों ही पैसा जारी कर दिया गया था। अधिकांश जगह इसकी खरीद भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए।